वीडियो में कुछ नहीं सेक्सी है, कौन कौन दोस्त है यहाँ पे अपना पूछना, मेरे दोस्त ये खड़े दोबारा अपना बोलना, लाख नफरतें हो साथ फ्रेंड का प्यार है, हंसी है उसकी जीत मेरी कैसे जाऊँ हार मैं, काट लो डेटा लाई कर ही जाऊंगी, मार दो दोस्त हूँ तो साथ मैं निभाऊंगी, ब्रेकअप मेरा जब हुआ ये दोस्त मेरे साथ थी, स्कूल में मैं जब पिटी यही दो जिम्मेदार थी, उठाओ फोन और सब्सक्राइब कर दो चैनल तुम, असली फ्रेंडशिप हैक से मिला है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को, हाँ जी हिंदुस्तान को, असली फ्रेंडशिप हैक से मिला है हिंदुस्तान को। यार मेरा फोन कहाँ? मेरा ओहो अनिष्का, अरे लैपटॉप, आई मेरा लैपटॉप तोड़ दिया, पूरी मेमोरी उड़ा दी तूने, यार घर से जा मेरे। भारती ने दिया ये गिफ्ट मुझे, खामा खा सुना दिया, इतना सुंदर उसने मेमोरी बॉक्स बना के भेजा है। और ये हम तीनों की पिक्चर्स, कितना मस्ती कर देते हम, और ये लवली बैंगल्स, और ये कार, इसे तो हम बचपन से चलाते आ रहे हैं, क्लिप्स और चोकर तो उसने अपने लिए बनाए थे, मुझे दे दिए गिफ्ट, फोन केस भी दे दिया। चलो फोन ही लगा लेती हूँ। हेलो हेलो आंटी जी नमस्ते, भारती कहाँ है? वो कल मेरे लैपटॉप का डेटा उड़ गया था ना, तो मैंने उसे गुस्से में कुछ भी बोल दिया। हाँ बेटा पता चला, भारती ने इतनी मेहनत से तेरे लिए वो मेमोरी बॉक्स बनाया था। इसकी नाराजगी तो मैं अभी दूर कर दूंगी। इस मिस्ट्री बॉक्स में सारी अच्छी अच्छी यादें रख देती हूँ, कोई भी रूठा हुआ दोस्त आराम से मान जाएगा, और मम्मी ये तो फिर भी अनिष्का है, आराम से मान जाएगी। और जैसे ही तुझे सुबह देने गई एक्सीडेंट। नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, हर पल साथ में गुजारा। भारती अरे एक्सीडेंट का मतलब सुबह साइकिल से जा रही थी लुढ़क गई, घुटने ही तो छिले ऐसे, भारती उनमें से नहीं है जो अकेली चली जाए, दो चार को साथ लेके ही लुढ़केगी। अरे तो आंटी पहले बताना चाहिए था ना, मैंने तो सोचा कि भारती और तो और विनीता का तो उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। अरे वो सब छोड़, तू बता बॉयफ्रेंड कैसा है, पहले की सुई की नहीं। अरे यार क्या बताऊं तुझे, वो तो बुमरा। क्या बात कर रहा, अपनी बात कोई सुन रहा है? डोल डस्ट टेल मी। अच्छा मम्मी कान लगा कर सुन रही है। वो कसियू वगवे। अच्छा ठीक है ठीक है, रखती हूँ, समझ गई समझ गई। क्या कर रही बेटा? मम्मी मैं वो बाहुबली देख रही हूँ, मूवी है ना। मूवी तो बहुत अच्छी है, देख लो देख लो। थैंक गॉड कोड लैंग्वेज ने बचा लिया। मैं तो कहती हूँ हर दोस्त को एक दूसरे की कोड लैंग्वेज पता होनी चाहिए। ये आजकल के टीनेजर्स को लगता है कि हमारे सफेद बालों को तो ऐसे ही चकमा दे देंगे, जैसे हमने तो अपनी जवानी में कुछ किया ही नहीं है। गुप्ता को बुला लेती हूँ। अरे मैंने सारा मेकअप धुल गया, लास्ट मेकअप बचा था वो भी खराब करवा दिया। तो किसने कहा था मेरे पीछे से स्टूल हटाने को? आजा मेरे पास आधा मेकअप पड़ा है। आधा मेकअप? याद है ना हमने कंट्री करके मेकअप लिया था, अच्छा हुआ ना आधा तेरे पास खत्म हो गया था, आधा मेरे पास पड़ा है। ऐसे हम ज्वेलरी बैग्स और हील्स भी खरीद लेंगे कंट्री करके, और हाँ हम अदल बदल के पहनते भी रहेंगे। वही भारती तो घर जा, मैं मायरा के साथ पार्टी में होकर आती हूँ। अरे पर वो तो जा यार। ए मायरा। हाय अनिष्का। मायरा मुझे भी तुम अपने साथ पार्टी में लेके जाओगी? बस 20,000 रुपीस दे और चल पब में। 20,000? अरे मैंने सुन लिया था वो मायरा चुड़ैल अपने पैसे का रुबाब जरूर दिखाएगी। तो भारती ने मुझे सब बताया और हमने कर दी पजामा पार्टी अरेंज। सॉरी तेरा सॉरी गया तेल लेने, चुपचाप ये पजामा पहन और आजा पार्टी करने। अभी आई। Yeah!
पजामा बहुत सस्ते में हो गई, सबके घर पजामे तो होते ही है। सस्ती पजामा पार्टी। आज के बाद मत कर लियो मुझसे, सारी गलती तेरी थी। जाना तू अपनी वो अनामिका दोस्त के पास जिसके पास कार है। कार के लिए दोस्ती करती हूँ, मेरे दोनों गिफ्ट वापस। मैं जा तेरे गिफ्ट दे दूंगी वापस, आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? अनिष्का से लड़ाई हो गई मेरी, अब कभी बात नहीं करूंगी उससे। मम्मी मैं जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। अरे रुक रुक बेटा, ये टी शर्ट ले जा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना, पसीना आएगा वहीं पे चेंज कर लियो। हाँ मम्मी ठीक है, मैं जा रही हूँ। मम्मी जल्दी से मेरी एक टी शर्ट रख दो एक्स्ट्रा, वो आज कल्चरल एक्टिविटी है ना तो टॉप स्वेट में खराब हो जाएगा। थैंक्स यार मम्मी, बाय बाय बाय, लेट हो रही हूँ। अरे कोई तो फ्रेंडशिप दे, मेरी हेयर स्टाइल बना के मुझे गिफ्ट दे दे। अरे क्या मार रही है, हेयर स्टाइल बनाने की तो बोला था। चापलूसी से क्या कर रही है तुझे पता नहीं, अपन दोस्त है, पर इस बार मैं नहीं भारती बनाएगी तेरा हेयर स्टाइल। अरे भारती नहीं। अरे चिंता मत कर, बहुत सही बनाएगी। चल तू हेयर स्टाइल बना, मैं बताती जाती हूँ। पहले ऊपर से एक साइड के बालों को इकट्ठा कर लो, अब कुछ इस तरीके से कॉम की मदद से उस साइड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आगे के बाल सिक्योर करो, अब इस साइड की तीन स्ट्रैंड निकाल कर फ्रेंच चोटी बनाना स्टार्ट कर दो। बहुत ही आसान है, देखते जाओ और सीखते जाओ। फ्रेंच चोटी खत्म होने के बाद आप नॉर्मल ब्रेड कर दो। अब इसी फ्रेंच चोटी के नीचे एक और फ्रेंच बनाएंगे। दोनों फ्रेंच चोटी बन गई है, इनके अब रबर बैंड निकाल कर आगे के बालों के साथ मर्ज करके आप इसे सिक्योर कर ले। ये हेयर स्टाइल सीख ली ना तो इस फ्रेंडशिप डे आप अपनी फ्रेंड को ये गिफ्ट दे सकते हो। खत्म हो जाएंगे सारे ट्रेंड्स, लेकिन साथ देंगे हमेशा फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप डे की बनी है हाइप तो करो वीडियो को दो लाइक। हमने करी है बहुत मेहनत, कंजूसी मत दिखाओ, सब्सक्राइब करो और दोस्त बन जाओ। वैसे तू येलो नहीं पहन के आ सकती थी, हम दोनों ने येलो पहना है। अब तू अरे मैं